हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टेबल जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज वीडियो हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमको एक इक्वेशन ये दी हुई है लाइन की, ठीक, हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है लाइन की, ठीक ना, और वो इस तरह लिखनी है कि वो टू वेरिएबल हो और साथ में वो इंटरसेक्ट कर रही हो, पैरेलल हो या फिर कोइंसिडेंट, इन कॉन्सेप्ट को पूरा कर रही हो, और ऐसी इक्वेशन हमें लिखनी है। अब इसे लिखेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्ट के लिए। इंटरसेक्ट के लिए हमें कंडीशन पता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ये कंडीशन वो फॉलो करता है। इसका मतलब आप जो ये इक्वेशन बनी है इसमें x के पास जो नंबर है वो आप चेंज कर दीजिए, ठीक, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए हमारा क्या बनेगा, अगर जैसे हम ये इक्वेशन दिए तो हम ले सकते हैं क्या 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आज 6 लिख लीजिए, ठीक ना, ये आपने लिखा, देखिए यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे तीनों क्या है डिफरेंट है ना, तो इस हिस्से को क्या करेगा, फॉलो करेगा कंडीशन को, तो आप कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा ये और ये। इसी तरह पैरेलल के लिए बात करेंगे तो पैरेलल में हमारा कंडीशन क्या होता है, तो सोचिए देखिए इसके लिए कहता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, इस कंडीशन को फॉलो करें। तो देखिए कैसे, अब आपको बस क्या करना है, x के पास जो नंबर है और y के पास जो नंबर है वो सेम रखने हैं, बस इस नंबर को क्या कर दीजिए, डिफरेंट कर दीजिए। तो देखिए कैसे, जैसे हमने ले लिया 4x प्लस यहाँ क्या लिया 6y और यहाँ पे हमने क्या ले लिया 11 ले लिया इक्वल टू 0। तो आप नोटिस कीजिए अगर आपने इसका रेशियो लिया है तो क्या मिलेगा 1/2, इसका रेशियो लेंगे तो 1/2 सेम मिल रहा है ना, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी सेकंड, किसके लिए, पैरेलल लाइन के लिए, ठीक। वही बात करेंगे कोइंसिडेंट के लिए, तो इसका केस क्या बनता है, ये कहता है कि a1 / a2 इक्वल b1 / b2 इक्वल c1 / c2, इस केस को फॉलो करता है। अगर इस केस को फॉलो करता है मतलब तीनों ही क्या होने चाहिए इक्वल, तो इसका मतलब ये जो फॉर्म मिला है ना इसी के साथ जो दूसरी क्वेश्चन बनाएंगे उसका रेशियो सेम होना चाहिए, तो मतलब हम इसका मल्टीपल लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो 2, 3, 4, 8 है ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी जैसे 3 2 6x 3 3 9y और फिर 3 8 24 इक्वल टू 0। तो देखिए अगर आप इनका रेशियो लेंगे तो वो रेशियो आपको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, जैसे 2/6 3/9 और फिर 8/24। तो देखिए 2 × 2 2 × 6 3 × 3 3 × 9 और 8 × 8 8 × 24, तो देखिए 1/3 1/3 ये मिल रहा है इक्वल, तो आप कह सकते हैं कि वो ये आपकी किसके लिए होगी, कॉन्स्टेंट लाइन के लिए होगी। तो इस तरह से आप इक्वेशन अपनी तरफ से बना सकते हैं ढेर सारी कोई भी, ठीक ना, बस आपको रूल फॉलो करना होगा। इसके लिए ऐसा रूल जिसमें वो a1 / a2 और डज नॉट इक्वल b1 / b2 हो, इसके लिए a1 / a2 इक्वल हो b1 / b2 के बट डज नॉट इक्वल हो किसके, c1 / c2 के, ये फॉलो करना चाहिए। और लास्ट में इसके लिए कॉन्स्टेंट के लिए क्या करना होना चाहिए, a1 / a2 इक्वल b1 / b2 और c1 / c2, मतलब उनके रेशियो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे वीडियो पे बने रहेगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।